देखो ना, एक चीज की बड़ी टेंशन हो रही है। ये व्हाइट कलर का डाला खड़ा हुआ है ना, वो जो सामने खड़ा हुआ है। हाँ यार, ये कभी अपने पीछे है, कभी आगे। अभी क्या है, इसने फ्यूल डलवा के वहाँ रुक गया, इंतजार कर रहा है हमारा। पता नहीं कौन लोग हैं यार, मुझे भी डर लग रहा है। ये भी बात मैंने नोट की है, क्योंकि हम लोग जब से हम लोग हाईवे के ट्रैक पे आए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज का सीन है, हमारे साथ मौजूद है आज मोहसिन और ये अलियान और ये जैन भाई और ये हो गए हमजा। तो भाई जैन भाई, आज का सीन क्या है? आज का सीन ये है कि हमजा की तरफ से आज हम लोगों को डिनर है। अच्छा, इसने 14 प्रो मैक्स लिए। ओहो, तो भाई 14 प्रो है कहाँ तुम्हारा यार, नजर नहीं आ रहा मुझे। ये कह रहा है खाने के बाद दिखाऊंगा। खाने के बाद दिखाऊंगा तो बताऊं आपको, डिनर के टाइम 14 एप्पल लगे हुए मिलेंगे। 14 एप्पल सबको एक एक खाना है, और जिसने नहीं खाया, अच्छा जिसको नहीं मिला ना वो करवाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक और कमेंट करवाएगा भी करवाइएगा। तो भाई बेहतरीन हो गया, जिसने नहीं खाया वो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट सब कुछ करेगा। आप बोले करवाएगा। हाँ, फिर आगे की आप बात बोले। हम लोग पेट्रोल पंप पे आगे टिके, पेट्रोल डलवाने के बाद हमारा रास्ता आगे का स्टार्ट होता है। और कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये तो सिर्फ इस भाई को पता है, पहुँच के ही पता चलेगा कहाँ लेकर जाएगा भाई। ट्रेड देनी है इसने आईफोन 14 प्रो, वो भी यार पीटीए प्रूफ, और मैं भी भाई जिस फोन से बन रहा है नॉन पीटीए, वो भी तो मैं भी गरीब हूँ। इसने हमें फोन दिया जिसके पास नॉन पीटीए होता है ना, वो सब में ज्यादा करवाता है। कमेंट सब्सक्राइब, क्योंकि भाई व्लॉग बनाने के लिए लिया हमने, कोई ऐसी चीज की नहीं। ताज़ा ताज़ा मोबाइल स्नैच हुआ है यार, ये मजबूरी लिया था यार। हाँ यार, ताज़ा ताज़ा कामरन टसोरी दे तो रहा है यार मोबाइल। यार नहीं दे रहा है जनरल, मुझे नहीं लग रहा कि कामरन टसोरी मोबाइल देगा यार आज के टाइम पे। तो भाई भाई का नहीं है तो वो कामरन टसोरी मोबाइल कैसे दे सकता है जैन भाई, आप मुझे ये बताओ। फिर क्या है तो बॉल है भाई, ऐसे मोबाइल दे देगा, ऐसे मोबाइल ऐसे दे देगा। तो भाई आ जा, एक घंटा हो गया, ये हवा नहीं हो रही, पता नहीं क्या यहाँ पे सब लोग करवा रहे हैं यार। इसने ना पूरा हवा है, हवा के लिए ना वो साइकिल वाले पहले पंप लेके चलते थे 90s में। हाँ, तो यार मुंह में लेके वो वाला इसने हिसाब किताब रखा। तो लोकेशन किस जगह की है तो बताओ जैन भाई। सुपर हाईवे, और सुपर हाईवे पे जो पहला PSO पंप पड़ता है वो है। तो भाई यहाँ से एहतियात करें आप लोग, यहाँ आ जाएगा फैमिली के साथ, खुआर हो रहे होंगे आप लोग हमारी तरह। बिल्कुल आधा घंटा हो गया खड़े में। फ्यू मिनट्स लेटर, मेरे को ना एक चीज की बड़ी टेंशन हो रही है। ये व्हाइट कलर का डाला खड़ा हुआ है ना, वो जो सामने खड़ा हुआ है। हाँ यार, ये कभी अपने पीछे है, कभी आगे। अभी क्या है, इसने फ्यूल डलवा के वहाँ रुक गया, इंतजार कर रहा है हमारा। पता नहीं कौन लोग हैं यार, मुझे भी डर लग रहा है। ये भी बात मैंने नोट की है, क्योंकि हम लोग जब से हम लोग हाईवे के ट्रैक पे आए ना, ये जब से हमारे पीछे आ रहा है, ये बात तो है यार। एक्सप्रेस वे से साथ चल रहा है यार, अल्लाह रहम करे यार। मुझे लगता है हमदा मैंने कट मारा उसको, जब ही वो रुका हुआ यार। कोई ना कोई सीन लगाएगा यार तो हमारे साथ। एक घंटा हो गया, वो देखिए वो डाला जो खड़ा हुआ है वो हमारे पीछे आ रहा है। हो सकता है हमारा शक नहीं चला रहे हमदा, लेकिन जब हम यहाँ से फ्री होके निकलेंगे, अगर वो हमारे साथ साथ निकला तो वो जो शक है वो यकीन में तब्दील। जैन भाई अगर वो पीछे आ गया तो कोई ना कोई मसला होगा, क्योंकि यार मुझे तो नहीं, जैन भाई आगे जा रहा हूँ डाला। नहीं नहीं यार, वो यही आ रहा है। जैन भाई आगे निकल गया, वो डाला यार पीछे आ रहा है। देखिए हमारे पीछे यही आ रहा है यार, ये देखिए आप, ये देखो ये आ गया, ये यही आ रहा है डाला यार। ये पीछे आ गया हमारे जैन भाई, ये डाला तो बिल्कुल पीछे आ गया। अल्लाह खैर करे। पर यार मैं मुझे तो डर लग रहा है, ये डाले क्या सीन है क्या नहीं है। खैर देख लेंगे जो होगा, देखते हैं जैन भाई, अल्लाह मालिक है। देंगे मुंह देंगे अगर कोई टेंशन वाली। ठीक है जैन भाई, भी देखते हैं आगे, दिखाते रहते हैं आपको क्या सीन है, डालेगा क्या नहीं है। वो जा रहा हम लोग अभी जा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये स्नैप बना रहे हैं, मुझे तो लग रहा है यार कुछ गड़बड़ है। तो हमने ही फैसला लिया कि पहले ये निकल जाए तो फिर हम जाए। तो भाई वो डाला निकल चुका है, ठीक है, इसके बाद अब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हम लोग ये इंतजार कर रहे थे ये डाला निकले और हम लोग निकले, क्योंकि भाई बहुत गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि डाला हाईवे से हमारे पीछे आ रहा था, और भाई अब ये हमारे आगे चल रहा है, टूल क्रॉस करते ही हमारे आगे चले जा रहा है ये। और भाई हमें शदीद भूख लग रही थी, हैदराबाद लगने वाला था, तो हमने सोचा कि यार कुछ खा लें। तो भाई हम जैसे ही उस मानी में पहुंचे तो ये ऑलरेडी वहाँ मौजूद था। भाई हमने खैर अल्लाह मालिक है, उतर के से बात करते हैं कौन है क्या। भाई फाइनली गाड़ी लग चुकी है पार्किंग पे, ठीक है। और भाई ये थे वो रिवर डाले में जो हम लोग को डर था ना,
तो रामेश भाई हमारे साथ थे स्टैंड पे, रामेश भाई लोग डर गए थे, रिवर डाला हमारे पीछे आ कौन सा रहा, हमारे से डर रहो यार, यार हमें नहीं पता था ना रिवर डाला किसका है किसका नहीं है भाई, हमारे पीछे कब से वो आ रहा था आई भी लोग हमारे पीछे लग गए थे, आपने ऐसा सरप्राइज दिया ना, मुझे नहीं पता था कि हमजा ने मतलब रिवर डाले में अपने फ्रेंड फ्रेंड जो भी थे वो बुलाए हुए थे, तो बहुत ही अलग सीन हो गया था। तो ये तो भाई यार रिवर में तो रामेश भाई थे और ये सब लोग निकले भाई, ये फरहान भाई थे, फरहान भाई यार तुमने डरा दिया रिवर डाला कब से पीछे आ रहे थे हमारे, यार पता नहीं था ना एकदम हाईवे के बीच में था रिवर डाला जब लगा ना, मैंने बोला कोई ना सीन होने वाला है। तो भाई ये रिवर डाले में था अदनान भाई और ये लोग सारे लोग थे रिवर डाले में, तो इसलिए हम लोगों को डर लगा था, मैंने बोला ऐसा ना मेरे को उठा के ले आए, यार अदनान भाई तो हमारे डर चुके थे, अदनान भाई कहां गए, अदनान भाई ने कल में ब्लॉगिंग के पैसे मेरे पास आएंगे तो वो तुम्हारे पास जाएंगे भाई, ये बहुत डर गए थे, दिल गार्डन गार्डन हो गया था, जैन भाई तो कलमा पढ़ लिया था बकायदा आपके सामने, ब्लॉग में क्या सीन था कि कलमा हो चुका था हमारा पूरा, तो यार यहाँ ब्लॉगिंग के पैसे कहाँ जाएंगे फरहान भाई, ये तो व्यूज बताएंगे और मेरी ऑडियंस बताएगी, ये मेरे अकाउंट में नहीं जा रही एम्बुलेंस, तो भाई ये फोन था भाई इसका जो उसकी ट्रीट देना है ये, तो भाई इसकी ट्रीट अब देखते हैं क्या मिलती है यार, मुझे तो भाई ट्रीट तो दूर यहाँ पे तो जगह ही नहीं मिल रही थी भाई, आधे बंदे जो थे वो खड़े हुए थे और आधे बंदे बैठे हुए थे और आधे बंदे गाड़ी में ही थे, तो भाई जो भी था जैसे भी था मुझे तो जगह मिल ही नहीं रही थी, मैंने फाइनली यार थोड़ी बहुत जगह इसके बराबर में थी, मैंने ना चलो यार मैं तो अपनी टिका लूँ यहीं पर, तो भाई तुम्हारे भाई ने अपनी टिका ली फाइनली और मैंने ना चलो यार ऑर्डर, एक किलो आंडी एक किलो अटारी एक किलो वाइट, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, और आप अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, बोल ना और बात सुनो, जा रहे हो पहली जगह, सॉरी यार 14 12 15 कौन कौन से मोबाइल रखे हुए हैं, अल्लाह पाक और दे भाई और भाई को भी दे, क्योंकि तुम्हारे भाई का जा चुका है तो मैं तो पता ही है, तो पहली भाई जगह मिल चुकी है और अभी अंदर जाकर बैठते हैं भाई, क्योंकि आधे बंदे जो थे आ नहीं पाए थे इस जगह पे, तो इसलिए भाई ये वाली जगह हमने डिसाइड की है, आराम से कितने बंदे ये संबंध भाई, ये भी अपने तो भाई पहली जगह मिल चुकी है, अब आराम से बैठेंगे लेटेंगे जो भी आराम से करेंगे भाई, अब बहुत बढ़िया मुन्ना, फरहान भाई जगह नहीं मिल रही थी उसके बारे में क्या कहोगे, इतनी देर तो यार वो फोन करना बंदा हमारा गया था जगह पहले ही हो जाती है जगह खाली तो भाई जगह फाइनली मिल चुकी है, बैठने यार खाने का वेट कर रहे हैं, खाना तो ऑर्डर कर दिया था और बाहर बैठे तो जगह बिल्कुल भी नहीं थी यार, तुम कैसे आ रहे हो, तुम बहुत सेक्सी आ रहे हो यार, अरे यार रमेश भाई इंशाल्लाह हो जाएंगे, बस तुम सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, जैसे डकी भाई अपनी अपनी नहीं यार बेगम बेगम नहीं दिखाना, बेगम बेगम के सब्सक्राइबर बहुत गलत होते हैं यार, क्योंकि बेगम बेगम नहीं यार तुम्हारा भाई उनमें से नहीं है, करा रहा था मोटी को, नहीं मोटी तो बहन थी इसकी, जब मोटी वाला तो जीन डालेंगे यार, ये क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि दोस्ती सबको पता है भाई, ये तो बात दोस्ती बहन थी यार, जो समझो यार, किसी को तुमने बोला दोस्त है, किसी को बोला शादी नहीं करी उससे, क्यों भाई वीजा तक तो खिलाया नहीं उसने हमारे को, ड्राइवर बन के घुमाती रही ये क्या सीन है, अभी तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ख्वार करा यार, तुम्हें पता है लड़कियां ख्वार कराती हैं लड़कों को, ये बड़ी अच्छी बात कही यार, तो भाई फाइनली जैन में बैठे हुए और जो दिन जैन मैंने कढ़ाई बनाई थी ना वो भी बहुत लजीज थी, और आज की जो कढ़ाई वो ऑर्डर किया हमने, ठीक है वो देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा उस कढ़ाई का, कैसा नहीं, तो भाई फाइनली खाना हो चुका है, ठीक है तो अभी इसको खाकर टेस्ट करके बताते हैं भाई, तो भाई फरहान भाई खोल डालो इसको, भाई इधर दिखा ये भूखे नंगों का खाना देख लो, हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा, तो भाई सबसे पहले आ गई हांडी, ओहो इसकी जो खुशबू आ रही थी ना मक्खन वाली खुशबू थी, क्या यार इसको अभी खा दो, मैंने ना जल्दी से दूसरी खोले यार, अचारी कढ़ाई थी तुम्हारे भाई की फेवरेट है यार बहुत, इसकी भी खुशबू बहुत ही यम्मी वाली थी, और ये तीसरी आ गई हमारी व्हाइट कढ़ाई थी तुम्हारे भाई की, तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसको, तो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ता भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई की बहुत फेवरेट है व्हाइट कढ़ाई, टेस्ट कैसा है, मैं खाना खाता हूँ ठीक है, और अभी तो ये लोग तो स्टार्ट हुए हैं, मैंने अभी तक खाया ही नहीं,
तो अभी ये सबसे पहले खा रहा है यार, कैसा सीन है इसका जल्दी से टेस्ट करके बता यार। दूसरे वाले में बताऊंगा। अमित भाई कैसा टेस्ट आज का? मेरे को तो पहले इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओ एमजी, तो यार जल्दी से खा लिया जाए क्योंकि यार अब बहुत भूख लग रही है। फ्रेंड भाई कैसा टेस्ट है इसका? वाओ यम्मी यार। ओह माय गॉड वाओ। तो भाई यम्मी हो गया सीन, जल्दी से खाना पड़ेगा अब तो मुझे भी। मजा आ गया यार। मजा आया और मैं ये जो मजा है जल्दी से इसको एंड कर दूं क्योंकि भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि खत्म हो रहा है क्योंकि बहुत लोग हैं। जल्दी बताता हूँ फिर वापस मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार वापस कब जाना है। तो भाई फाइनली खाना तो मैंने खा लिया है और अब ये समझ में नहीं आ रहा दावत किसकी तरफ से। एक ने भाई मोबाइल लिया है ठीक है और एक ने भाई गाड़ी ली है, तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ट्रीट है किसकी तरफ से। अब ये दोनों ये लोग ही डिसाइड करेंगे कि ट्रीट है किसकी एक तरफ से। तो फरहान आपकी तरफ से या हमजा की तरफ से? ये हमजा और मेरी तरफ से, मगर बिल जो है ना वो कोई और अदा करेगा। शरीफ आदमी है बेचारा, वो हमारे हर काम में आगे आगे होता है। ये क्या सीन है यार फ्रंट में, गाड़ी तो आपने ली है बिल कोई और देगा? भाई बिल भाई है ना हमारा, और ये हमारे भतीजे, इन्होंने बोला हमें दावत दावत, इनको दावत दे दी हमने। मगर ये मगर दावत मगर इन्होंने जो है ना हमारे साथ, इन्होंने हमारे साथ गलत करा, इन्होंने अपनी दावत में 8,000 मिलाए थे। फाइनली भाई नीचे उतर चुके हैं गाड़ी से और खाना खाने के बाद हम लोग पहुँचा बैरियर टाउन के अंडर पहुँचे ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग नीचे उतर गए और हालत ऐसी हो गई, अब चमकते बाहर होंगे, लाइटिंग ऑन है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो भाई वीडियो शूट करते हैं ठीक। तो भाई ये सीन है, इस बंदे को देखो और इस बंदे को देखो, ये अभी अभी फोटो शूट किया है, जब जाके ये रिजल्ट आया बाहर मैयत लग रही है मुझे कसम से। आप करना हो गुस्से में इधर उधर निकल जाते खड़े खड़े बैरियर टाउन में मर चुका है बंदा, ऐसा सीन लग रहा है। चाइना का यार है ना भाई से अभी अभी आई फुल ले रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या, चलाना कैसे। ये यार वो वाली मिसाल है ना जन भाई, बंदर के हाथ में नारियल, तो ये वाला सीन हो गया इसके साथ, इसको चलाना नहीं आ रहा, बस आईफोन मिल गया इसको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू बाय।